Good morning, class 5th. Welcome to your English literature class. Today we'll start our third chapter, which is Underwater Adventure. Now let's read the chapter and see what is in this chapter. Okay, we all think that most of the tasks we have to do are boring, but to our surprise we find some tasks rather interesting and something adventurous too. तो यहाँ पे first two lines में ये बता रहा है कि हम लोग को कोई task मिलता, कोई काम मिलता है तो हम लोग सब चीज़ को boring समझते हैं, but कुछ उसमें से interesting और adventure के साथ होती है. ठीक है, तो now let's read. Mohit slumped in his seat and moaned. His father had dragged him along for all the weekend errands. Mohit just wanted to go home and play video games, but his dad insisted to spend quality time together. Okay, पहले तो slumped मतलब होता है बैठना, to sit, ठीक है, and then errands मतलब होता है आपका task, और instead का मतलब होता है कि फोर्स थोड़ा सा करना या बोलना कि प्लीज़ ये काम कर दो ऐसे करके. ओके, तो उसके फादर जो है मोहित जो रहता है, देखो आप फिगर में देख सकते हैं, ही इज़ मोहित एंड ही इज़ हिज़ फादर. तो मोहित बस घर में बैठ के वीडियो गेम्स खेलना चाहता है, उसके फादर हर वीकेंड उसको कुछ ना कुछ टास्क देते हैं, उसको अपने साथ हर कुछ ना कुछ कराते रहते हैं. ओके, हाउ मेनी मोर प्लेसेस टू डू वी हैव टू गो, मोहित आस्क्ड अबाउट द फोर्थ स्टॉप. इससे पहले उसने 3 स्टॉप्स अपने फादर के साथ कंप्लीट किए, तो 4th स्टॉप पे पहुँचते पहुँचते वो अपने फादर से पूछता है कि कितने और हम लोग के पास टास्क है करने के लिए. तो उसके डैड बोलता है, दे आर ऑलरेडी बीन टू बी बैंक, द सुपरमार्केट, द पोस्ट ऑफिस एंड द ड्राई क्लीनर्स. तो फिर ही सेज कि हम लोग वैसे भी बैंक जा चुके हैं, सुपरमार्केट जा चुके हैं, पोस्ट ऑफिस जा चुके हैं, ड्राई क्लीनर, इतने जगह पर हम लोग घूम चुके हैं, अब और क्या बचा है, और कौन सा टास्क आपको बचा है. ही कुडंट इमेजिन दैट दे कुड पॉसिबली हैव लेफ्ट टू डू जस्ट वन मोर. हिज फादर स्माइल, उसके फादर रिप्लाई में बोलते हैं एक और टास्क है और स्माइल करते हैं. आई सेव द बेस्ट फॉर लास्ट, ही सेड. उसके फादर बोलते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा वाला, वो मैंने लास्ट के लिए सेव करके रखा था. मोहित डिडंट थिंक द एरेंट्स वर फन. ओह नो, वी आरंट गोइंग फॉर स्कूल क्लॉथ शॉपिंग आर वी. मोहित को हमेशा एरेंट्स मतलब जो टास्क देते हैं तो उसके फादर बहुत बोरिंग लगते थे. तो ही सेज कि अब तो ऐसा नहीं है ना कि आप मेरे स्कूल ड्रेस की शॉपिंग कराने के लिए ले जा रहे हो. तो उसके फादर बोलते हैं नो, दिस इज़ मच मोर एक्साइटिंग. वो उसके फादर बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं अभी लेके जा रहा हूँ तुम्हें जहाँ पे जिस टास्क के लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. मोहित वरीड दैट हिज दैट माइट नॉट हैव द सेम डेफिनेशन ऑफ एक्साइटमेंट दैट ही हैड, बट ही ट्राइड टू बी होपफुल. आफ्टर द बैंक हाउ बोरिंग कुड द इरैट बी. ओके, तो मोहित सोचता है कि इसके उसका जो एक्साइटमेंट का है और उसके फादर एक्साइटमेंट का है, दोनों का अलग एक्साइटमेंट हो सकता है, और वो होप करता है कि कोई अच्छा सा उसके फादर उसके टास्क दें उसके लिए. देन हिज फादर पुल्ड अप एट द बबल्स पैलेस. मोहित ग्रून इज नेम, द नेम वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग दैन द एक्चुअल प्लेस. ओके, फिर उसके फादर जो है उसको एक बबल पैलेस करके प्लेस पे ले जाते हैं. अब देखते हैं कि वो बबल पैलेस क्या था. ओके, द कार वॉश. ओके, वहाँ पे कार वॉशिंग होती थी. तो मोहित फिर सैड थोड़ा हो जाता है, कहते हैं कार वॉशिंग के लिए आ रहे, मतलब कि मेरे डैडी मुझसे कार वॉश कराएंगे. हाउ इज़ दिस एक्साइटिंग, कैसे वो एक्साइटिंग हो सकता है. मोहित क्रॉस्ड हिज आर्म्स इन प्रोटेस्ट. यू विल सी, हिज डैड सेड. ओके, फिर मोहित डिडंट वांट टू डू, वो प्रोटेस्ट मतलब कि कंप्लेन करते हुए अपने हाथ दोनों क्रॉस करता है, और उसके फादर फिर बोलते हैं कि बस देखते जाओ, यू विल एंजॉय इट. मोहित एक्सपेक्टेड हिज डैड टू पुल इनटू एन ओपन गैरेज काइंड ऑफ बिल्डिंग एंड गेट आउट ऑफ यूज द होज, बट इंस्टेंट ही पुल्ड अप टू द सम सॉर्ट ऑफ ड्राइव थ्रू. What's this? मोहित आस. मोहित को समझ नहीं आता कि उसके फादर क्या कर रहे हैं. तो उसके फादर बोलते हैं यू हैव नेवर बीन वन ऑफ दिस, तो कभी यहाँ पे नहीं आए हो. तो कहते हैं नो, मम गोज टू द सेल्फ सर्विस केयर वॉश. इज डैड स्माइल, आई लाइक दिस वन मोर. तो वो बोलता है कि मैं कभी यहाँ पे नहीं, ये कौन सी जगह है. तो फिर कह रहा है कि तुम, उसके डैड बोलते हैं कि यू हैव नेवर कम हियर, कभी भी तुम यहाँ पे नहीं आए. तो फिर वो बोलता है कभी नहीं आए, मम्मा जब लेके आती है तो मम्मा दूसरे इसमें नहीं लेके आती है, वो सेल्फ सर्विस कार के वॉश में लेके आती हैं. तो उसके डैड स्माइल करके फिर उसको बोलते हैं चलो इसमें. इट्स लाइक एन अंडर वाटर एडवेंचर. उसके फादर फाइनली यहाँ पे आपका जो चैप्टर के टॉपिक था वो आता है अंडर वाटर एडवेंचर के. उसके फादर बोलते हैं कि तुम जो जहाँ पे मैं ले जा रही हूँ तुम्हें एकदम अंडर वाटर के, वाटर के अंदर जब तुम लोग रहते हो और कैसा वहाँ पे एडवेंचर होता है वैसी फीलिंग आएगी.
तो फिर मोहित रिप्लाई करता है अंडर वाटर एडवेंचर विद ड्राइविंग इन टू वाटर और समथिंग। फिर वो बोलता है कि अगर अंडर वाटर मतलब कि हम लोग तैरने वाले हैं क्या, कुछ ऐसा होने वाला है क्या। मोहित वॉच्ड इन साइलेंस एज हिज डैड पेड द अटेंडेंट एंड पुल्ड द कार ऑन टू अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, फिर क्या होता है कि मोहित जो रहता है वो चुपचाप देखते रहता है कि उसके फादर फिर एक समझ आप लोग कह सकते हो कन्वेयर बेल्ट होता है, मतलब कि एक थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म टाइप का होगा, फिर वहाँ से वो शिफ्ट होते हुए कहीं पे जाता है। शुडेंट वी गेट आउट ऑफ द कार, मोहित मोहित बोलता है हम लोग कार से उतरना नहीं चाहिए। यू कुड बट यू डिडेंट मिस द बेस्ट पार्ट, हिज डैड टोल्ड हिज हैंड्स ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एज द कार वॉज पुल्ड फॉरवर्ड। दे ड्रोव थ्रू अ ब्लैक प्लास्टिक पैट हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द ड्राइव दो। मोहित स्टेड इन अमेजमेंट एज द कार वॉज स्प्रेड विद वाटर फ्रॉम ओवर, द वाटर पाउंडेड डाउन ऑफ द कार एंड मोहित। सेम इस तरीके का कुछ होता है कि लोग कार के अंदर बैठते हो और बाकी अब ऊपर से साइड से वाटर कार पे आती है और ऐसे कार वॉश होती है। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मोहित को लगता है, उसके फादर को भी लगता है, ऐसा लगता है कि वो लोग पानी के अंदर हैं और खूब मज़े कर रहे हैं। ओके, दैट्स प्रिटी कूल, ये लाइन मोहित बोलता है, लाइक अ रेन स्टॉर्म और समथिंग विथ इट्स गेटिंग बेटर। सोप सर्ट वॉश्ड ओवर देम, फिर क्या होता है सोप, फिर अब जब वाटर से वॉश हो जाती है कार उसके बाद से वो सोप, उसके बाद से वाटर की जगह से सोप आते हैं उससे वॉश होती है। ठीक है, एंड दे पास थ्रू रोलिंग बुशेज ऑन बोथ साइड। ठीक है, फिर वो दोनों साइड से आती है एंड वॉश करती है कार के। आई कॉल दो सी एनीमोन्स। ओके, सी एनीमोन्स का मतलब होता है कि सी में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, सी प्लांट्स जिसे कहते हैं, उस यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया जा रहा है। तो वो उन सोप के छोटे छोटे बबल्स वगैरह को सी प्लांट्स कहता है। ठीक है, हिज डैड सेड इट्स लाइक बीइंग अ फिश और सम अदर सी क्रिएचर इजंट इट। तो वो बोल उसके फिर ये बोलते हैं कि उसको तुम लोग एक छोटे से क्रिएचर जैसे भी मान सकते हो। मोहित रोल्ड हिज आई बट एज द कार वॉज पुल्ड थ्रू अ ड्राइंग स्टेशन एंड ब्लू अवे एंड वाइप द कार विद अ बंच ऑफ वेगिंग फील्ड स्ट्रिप, मोहित से हे दैट्स लुक लाइक एन ऑक्टोपस। ओके, जब कार पूरी वॉश हो जाती है तो फिर वो कार को पोछने के लिए ऊपर से एक बोल सकते हैं साइड टू साइड स्मॉल सा कुछ आता है जो साफ़ करता है उससे। ठीक है, तो वो बोलता है अच्छा इसको हम लोग ऑक्टोपस बोल सकते हैं, जैसे कि वाटर में आप लोग ऑक्टोपस पाते हो, इसलिए वो उसको ऑक्टोपस से कंपेयर कर रहा है। नो यू आर गेटिंग इट, हिज डैड पैडेड हिज शोल्डर, मतलब उसको शाबाशी देते हुए कहते हैं अब तुमको समझ में आया इस एडवेंचर से मैं क्या सिखाना चाह रहा था। यहाँ पे मतलब इमेजिनेशन वो सिखाना चाह रहा था कि इस छोटे चीज़ से भी तुम खुद से इमेजिन करके ये उसको एक चीज़ से कंपेयर कर सकते हो। दे केम आउट ऑफ द कार वॉश, सी हिज डैड सेड नॉट ऑल एरेंट्स आर बोरिंग, कैन वी डू दैट अगेन मोहितास। ओके, फाइनली इसके फादर बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं सारे टास्क आपके बोरिंग हो। दिस वॉज द लेसन ही वॉन्टेड टू टेल हिम एंड ही वॉन्टेड टू टेल कि हर काम को, जिस भी काम को आप करना चाहते हो उसको आप इंटरेस्टिंग बनाओ बाई योर इमेजिनेशन। ओके, तो जैसे कि इस कार वॉश को उसने एक अंडर वाटर एडवेंचर के से कंपेयर करके उसको इमेजिन करके किया एंड ही इंजॉयड। इसीलिए सारे आप अपने जितने भी आपके टास्क हों आप उसको या कोई भी काम हो तो उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए। ये ना हो कि आप लोग के लिए वो बहुत ही बोरिंग है, इरिटेटिंग है, काम नहीं करना चाहते, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, उसको इमेजिनेशन अपनी अच्छी करो, उसको इंटरेस्टिंग बना के काम करोगे तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। सो इट इज़ इट वॉज अ स्टोरी बाई केली हैसवे हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर क्लास 5th। डू रीड द चैप्टर एंड स्टे होम स्टे सेफ।